आर प्रोडक्टिविटी शॉक्स द ओनली सोर्स ऑफ रिसेशंस डे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी अगर अगरचे प्रिंसिपली तो वो इस बात को अलाउ करते हैं कि शॉक रिय, रियल साइड रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के शॉक कई तरह के हो सकते हैं फॉर एग्जांपल एनी चेंज इन द लेबर फोर्स एनी चेंज इन द गर्मेंट्स पेंडिंग एनी चेंज इन द कन्जम्पन एंड इन्वेस्टमेंट बिहेवियर तो कई कई तरह के शॉक्स हो सकते हैं लेकिन आर बी सी के मुताबिक जो मेजर शॉक है वो है प्रोडक्टिविटी शॉक सो इस पर एतराज़ किया गया कि बहुत सारे जो रिसेशन आए अमेरिकन इकॉनोमी में फॉर एग्ज़ाम्पल द 1973, 79, 1990 का there आर नो प्रोडक्टिविटी शॉक्स that वन कैन easily आइडेंटिफाई that कॉस्ट recessions, के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्टिविटी की वजह से शॉक की वजह से ये रिसेशन्स आए इसके response में RBC के जो economists हैं वो ये कहते हैं कि इट to be a बिग शॉक इंस्टेट द कमिलेशन ऑफ मैनी स्मॉल शॉक कैन कार द बिजनेस साइकिल तो इसका जवाब वो एक तरह से ये देते हैं कि रिसेशन आने के लिए किसी बड़े शौक की ज़रूरत नहीं है ठीक है स्मॉल शॉक्स भी जो है वो लार्ज फ्लक्चुएशंस को जनरेट कर सकती सो so, इस जिमन में वो एक सिंपल आर मॉडल यूज़ करते हैं यह रिलेशनशिप देखने के लिए कि स्मॉल शॉक्स किस तरह से लार्ज फ्लक्चुएशंस को जनरेट करती हैं ठीक है द चेंज इन आउटपुट फ्राम वन मंथ टू द नेक्स्ट टू मंथ्स वो ये कहते हैं कि ये जो चेंज आती है मंथ टू मंथ इसके दो दो पार्ट्स हैं फर्स्ट इज द फिक्सड पार्ट डेट अराइज फ्राम द नॉर्मल टेक्निकल प्रोग्रेस और फ्राम अ नॉर्मल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो रूटीन में उसमें इजाफा हो रहा है और सेकेंड वो ये कहते हैं कि एन अनप्रीडिक्टेबल पार्ट डेट रिफ्लेक्ट अ रैंडम शॉक टू प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द करंट मंथ्स स्पेसिफिकली इसको वो किस तरह से मॉडल कर रहे हैं वाई टी यानी टी मंथ में जो इनकम है इट इज इक्वल टू द प्रीवियस मंथ टी माइनस वन प्लस दिस पॉइंट जीरो वन ये जो फर्स्ट पार्ट हम हमने कहा फिक्स पार्ट है जो टेक्निकल नॉर्मल प्रोग्रेस और जो नॉर्मल पापुलेशन इनक्रीज वगैरह से उसमें इजाफा हो रहा है एंड ई टी इट रिप्रेजेंट्स द अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ओके सो ई टी इज अ रेंडम प्रोडक्टिविटी शार्क इन द मन टी द प्रोडक्टिविटी शॉक्स आर रेंडमली चूजन नंबर्स बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन के ई टी की जो वैल्यूज़ है वो कंप्यूटर से जनरेट कर रहे हैं रैंडमली और इसकी रेंज क्या डिफाइन कर रहे हैं माइनस वन टू प्लस वन सो ये माइनस वन और प्लस वन के दरमियान ये जो शॉक्स ए टी की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उसका ग्राफ ही आपको नज़र आ रहा है तो ऑबियसली ये बहुत स्मॉल शॉक्स हैं लेकिन इसके नतीजे में जब वो आर बी सी सिंपल मॉडल को यूज़ करके आउटपुट की फ़्लक्चुएशंस को देखते हैं तो वो फ्लक्चुएशंस इस येलो ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी लार्ज आपको नज़र आ रही है यानी शॉक्स बहुत स्मॉल हैं लेकिन इनकी वजह से जो इनका कम्यूलेटिव इफेक्ट है आउटपुट पर उसकी वजह से लार्ज फ्लक्चुएशंस उसमें पैदा हो रही हैं तो इस तरह से वो जस्टिफाई करते हैं कि इकॉनमी की जो फ्लक्चुएशंस है उसके लिए किसी बड़े शॉक की ज़रूरत नहीं है इवन स्मॉल शॉक्स भी जो हैं उनका कम्यूलेटिव इफेक्ट जो है वो लार्ज फ्लक्चुएशंस को पैदा करता है So, even though all of the productivity shocks are small, the simulation produces large cyclical fluctuations in aggregate output. Thus, large productivity shocks are not necessary to generate large cyclical fluctuations. Or critics of RBC theory suggest that shocks other than productivity shock, such as wars, military buildups, have caused business cycle. So जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट में जो और एक बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो एक ब्रॉडर डेफिनेशन को आ, उसको सपोर्ट करते हैं कि सिर्फ प्रोडक्टिविटी शॉक ही बिज़नेस साइकिल पैदा नहीं करते बल्कि और बहुत सारे शॉक्स हैं तो ये जो ब्रांच है ये जो मॉडल्स हैं इनको कहते हैं डायनामिक स्टोकास्टिक जनरल इकलिवरी मॉडल्स क्योंकि आर वाले तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी शॉक को ही मेजर सोर्स समझते हैं तो ये जो एक और ब्रांच है बिजनेस साइकिल मॉडल्स की डायनामिक स्टोकास्टिक जनरल एक मॉडल डी एस जी ई मॉडल डायनामिक इन्हें क्यों कहते हैं इसलिए कि ये ये स्टैटिक नहीं है ये ओवर टाइम जो है उसका इकोनॉमी का बिहेवियर उसको स्टडी करते हैं और स्टोकास्टिक क्या है कि ये शॉक्स को रैंडम शॉक्स को स्टडी करते हैं अलाउ करते हैं और जनरल इक्विलिब्रियम तो ये साइकिल जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं ये जाहिर है जनरल इक्विलिब्रियम पर बिलीव करते हैं कि तमाम इकोनॉमी मार्केट्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं तो ये एक और ब्रांच है बिजनेस साइकिल मॉडल्स की डी एस जी ई मॉडल्स ओके थैंक यू वेरी मच